हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, हम पहले वीडियो में दिखाया था महिंद्रा ट्रियो ईआर का जो ईवी गाड़ी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल, उसका जो मतलब कैसे फ्लोट चार्ज करते हैं। तो अभी इस वीडियो में दिखाऊंगा कैसे डिस्चार्ज करते हैं। देखिए, इसका डिस्चार्ज मशीन है, तो इसका 100 सब कुछ जो पार्ट सेल वोल्ट मतलब जो पार्ट सेल है कि सेल है उसका जो फ्लोट चार्ज करके उसका फुल चार्ज कर दिया हो। अभी इसका जो देखिए डिस्चार्ज करने से इसके देखिए रेगुलेटर है, डिस्चार्ज मशीन है, इसका 30 एम्पीयर रखना पड़ेगा और 48 वोल्ट पे रख कर इसको डिस्चार्ज कर रहा हूँ। यहाँ पर देखना पड़ेगा, देखिए पार बैटरी का वोल्टेज दिखा रहा है क्या क्या वोल्टेज है। ठीक है, अभी तो इसकी डिस्चार्ज कर रहा हूँ, तो ऐसे करके डिस्चार्ज करना पड़ता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स क्या है देखिए फ्रेंड्स, और इसका देखिए अभी 90% तक मैं इसको डिस्चार्ज कर दिया हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी 90 से फिर से 100 तक चार्जिंग डाटा भी लेना पड़ेगा, मतलब इसमें डाटा लेना पड़ता है, महिंद्रा को भेजना पड़ता है। महिंद्रा से जो हाई टेक लाइनर होता है, ब्लू टेक लाइनर बोलता है, वो बताएगा क्या 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 प्रॉब्लम है, वो बता देगा। ठीक है, हम लोग भी एनालाइज करते हैं, तो यहाँ पर सेल वोल्टेज को देख सकते हैं। ठीक है, ऐसा करके इसका फॉल्ट पता चलेगा कि कौन सा बैटरी ख़राब है और क्या क्या दिक्कत है इस गाड़ी में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसा करके इसका काम होता है। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। ठीक है फ्रेंड्स, तो बाय।